तेरे क्या ठीक हुआ भाई? स्वामी जी मेरे को कोलाइटिस था। पवन मुक्तासन, कमर दर्द है तो आप थोड़ा ऐसे ही करो बिना सिर उठाए। हाँ। मेरे को कोलाइटिस वंशानुगत था। ओ जेनेटिक, जेनेटिकली ये जेनेटिकली होते हैं सब बीमारियां, गैस का, मेरे माँ पिताजी दोनों को है। फिस्टुला भी जेनेटिक होता है। और मैं इतना परेशान हो गया था कि मैंने सप्ताह में 5 दिन मेरा पेट खराब रहता था और एलोपैथी की दवाई जो जैसे। फिर कैसे ठीक किया? ये जैसे मैं 2009 में एक शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आया था फेस्टू, तो उस समय मैं योग शिक्षक की ट्रेनिंग लेकर योग पीठ फेस्टू में हमने योग टीचर्स ट्रेनिंग चलाई। उसमें बैतूल जिले से हूँ मैं, मध्य प्रदेश से, तो वो जिले वाइज बुलवाए थे आपने, तो मैं उसमें आया था। तो तेरा क्या हाल है? अब तो मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन अभी मेरे को समस्या वैक्सीनेशन के बाद हुई स्वामी जी। हाँ, इसका भी एसिडिटी और वही पुराना सारा सब। ये जो कोरोना में कार्यक्रम होता है वही वैक्सीनेशन के बाद भी कॉम्प्लिकेशन होते, क्या करें आप? बहुत परेशान है स्वामी जी दुनिया, अगर आप नहीं होते तो मैं जैसा तो मर गया होता। मेरा 8 किलो वेट लॉस हुआ है, मेरी 5 फीट 6 इंच हाइट है और मेरा 72 से अभी 53 है, मैंने यहाँ नापा। चलो वापस, उसके लिए कुछ रास्ता बताओ स्वामी जी। आज बता दिया, खजूर खाना, वेट गेन थोड़ा ले लेना। तेरे को क्या था बेटा? पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो। चलो करो उत्तान पादासन करो। हाँ, आईबीएस की समस्या है गुरु जी। आईबीएस? हाँ। उम्र कितनी? 32। ये आईबीएस, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन छोटे छोटे जवान बच्चों को भी हो रहा है, तो अभी अभी कितना फायदा है? अभी काफी आराम है, गैस एसिडिटी काफी बनती थी, सरोकल्प रोज लेना और बेटा अभी काफी आराम। ये आईबीएस कुछ नहीं है, ये आंतों की कमजोरी। कमजोरी अब नाम रख दिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मेरे को कुछ बड़ी सी बीमारी हो गई, सोच के ही लगता है कि लग रहा है कुछ बड़ा हो गया है। कुछ बड़ा हो गया, इतना बड़ा सा नाम धर देते हैं आईबीएस। हाँ, और एमबीबीएस जब उसको बताता है आईबीएस को, तो बाद में ऐसा डर जाता है कि मेरे को कुछ हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, तेरा आंते कमजोर हैं। एलोपैथिक में गुरु जी जब कुछ डायग्नोस नहीं कर पाते हैं और पेट खराब रहता तो वो आईबीएस रख देते हैं। क्या पढ़ाई की बेटा? बीटेक किया मैंने। ठीक है, तो अभी ये योग करके बेटा अब ये सर्वकल्प ले लेना बस, और लिवोग्रिट लिवामृत थोड़े दिन खा लो, उससे पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। मैं तो डिप्रेशन में चला गया था स्वामी पिछले 3 महीने से। तेने क्या ठीक किया? मुझे भी एसिडिटी होती थी, उससे मुझे डिप्रेशन होता था। ये प्रशिक्षण दिया मेरे को। अच्छा गुरु जी है जी। ठीक है, चरण छुया करो। अच्छा सब जो है सब कहेंगे अपने, सब जितने भी धर्मोपदेश करने वाले बाबे, गुरु, सन्यासी, पति परमेश्वर होता है उसके पैर छुआ करो। अकेला स्वामी रामदेव है जो पतियों को कहता पत्नी के पैर छुआ करो। इतने जल्दी रजिस्ट्रेशन भी उसी ने करवाया, अभी आने के लिए मनाया भी कि चलो कैसे भी कोरोना कुछ भी। खैर ये तो हंसी मजाक की बात है, पैर पूर छुओ या ना छुओ, लेकिन एक दूसरे की बात मानो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की सहायता करो। अब तेरी कैसे क्या हाल है? मेरी तो ठीक है, इनको भी मैंने योगा ज्यादा से ज्यादा कराया घर में, उसी से सब टाइम करवा रही है। फिर शाम को नहीं करते थे तो 1 घंटे कपाल भारती, मैंने कहा दूसरा मत करो, लेकिन कपाल भारती और अनिलोम विलोम आसन अच्छे हैं ना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, सेतु बंधासन, जितना हो पाए। 5 बजते मैं ऑफिस में रहता हूं, फोन कर देती कि आ जाओ। तेरा क्या ठीक किया? ए चलो कंदरासन खोलो लेट के। हां बीच से कमर उठाने बिल्कुल इजी है, सब बहुत एक्सपर्ट हो गए। करो तो आप तो ऐसे बताओ, आप करो बेटा पैर मोड़ के। स्वामी जी मुझे 10 साल से एसिडिटी की बहुत समस्या थी, तो डॉक्टर ने रिवर्स पेरिस्टाल्सिस बताया। यस हाँ, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस एक बीमारी बता दी, जिसमें मतलब मुझे उल्टियाँ एक बार शुरू हो जाए ना तो वो पूरे दिन बंद ही नहीं होती थी। पेंटोप डीएसआर एक जो टैबलेट आती है वो सारे लोगों को एसिडिटी में सूट कर जाती है, अगर किसी को हल्की सी एसिडिटी हो तो वो खा के ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैंने अगर वो खा ली तो मेरा वो दवाई तक ऐसी की ऐसी ही निकलती थी। अब क्या हाल है? अब तो मैं बिल्कुल सही हूँ स्वामी जी, मैंने अभी बिल्कुल सब कुछ सही है। इंडिया टीवी पे प्रोग्राम देख के मैंने बराबर 1.5 साल से बराबर में योगा कराया मैंने, और अब मैं बिल्कुल सही हूँ। कपाल भाती जो करती हूँ, मंडूक आसन, वो कपाल भाती के साथ करती हूँ। हाँ, मंडूक आसन से लेकर के पवन मुक्त आसन और ये सेतुबंध आसन जो हो रहा है, सारे आसन कपाल भाती के साथ कराते हैं।